अजाब गजाब घर जमाई। कमरे से बल्ब कहाँ लेके जा रहे है? ये रोबोट बन गया क्या? जय श्री राम। कर दो चिंटे चटाला शुरू अपना काम। बताओ 250 वाट का बल्ब बेकूफ। बताओ इतने मोटे मोटे बल्ब लगा रखे हैं, देश का क्या होगा? क्या साड़ू भाई, आप हमेशा मेरे कमरे में ही रहते हैं? हाँ, ये क्या है? क्या साड़ू भाई, अब मैंने सोचा था ये बिजली बचाने के लिए आप कुछ इनोवेटिव करोगे, कुछ अच्छा प्लान करोगे, लेकिन आपने तो मुझे गलत साबित कर दिया। गलत को गलत साबित करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता साड़ू भाई, वो तो खुद ब खुद साबित हो जाता है। मैं तो फिलहाल बिजली बचाने के चक्कर में इस बात पे प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि मैं सही हूँ। साड़ू भाई, ये बल्ब हटा के ना प्रकाश नहीं सिर्फ अंधकार फैलता है, समझे? अंधकार तो छाएगा, अंधकार बिल्कुल छाएगा साडू भाई, लेकिन आपकी आंखों के आगे, और मेरी आंखों के आगे छाएगा हरा बल्ब। राधे राधे, हरा बल्ब जला दे साडू भाई। पीके, ए, मैं भुलक्कड़ भुलक्कड़, ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा जुगाड़ करो इसके अंदर कि देखो परमानेंट हरी लाइट जले, क्योंकि ये ठंडा लोहा खा खा के कहीं हम किसी दिन ठंडे ना पड़ जाए परमानेंट। कैसी बातें करते हो आप भी, चुप रहिए, कुछ भी कह देते हैं। चिंटू जी, ये बिजली बचाने के चक्कर में ना हम अपना फेवरेट वाला सीरियल एक ही बार देख पाते थे, और अब अगर हरी लाइट नहीं जली ना तो समझिए आपकी डॉली ससुराल चली। हाँ, आप टेंशन मत लो, मैंने हरा सिग्नल दे दिया है, हरी बत्ती जलेगी। हाँ तो फिर ठीक, क्योंकि अगर हमारे पास टीवी नहीं तो आपके पास बीवी नहीं, वो क्या है ना, जो टीवी से करे प्यार वो बीवी से कैसे करे इनका। बत्ती तो लाल ही चलेगी, क्योंकि साड़ू भाई मैंने कल रात को सारी लाइटें ऑन छोड़ दी थी। अरे भाई विज्ञान जी, कितना समय लगेगा आपका ये बिजली मापने में, इतनी देर तक तो बिजली तैयार हो जाती, अरे जल्दी कीजिए। हरी बत्ती जली ना, जली ना, हरी बत्ती। हरी बत्ती जली मतलब विद्युत का प्रयोग पिछले 24 घंटे में 50% कम हुआ है। वाह बेटा चंट, हमारा मतलब है बेटा चिंटू, तुमने तो कमाल कर दिया। साडू भाई आपने किया कैसे? ओहो साडू भाई, मैंने क्या किया घर में, आपको तो पता है, आपको भी पता है, और आपको भी पता है, आपको भी पता है, सबके कमरों से बल्ब उतार लिए, ट्यूबलाइट उतार ली है, उनकी जगह नानी जी मैंने लगा दी एलईडी लाइट, वो फैशन में आजकल जगह जगह बिक रही है, हाँ वो लगा दी। उसके बाद अपने जितने भी फ्रिज हैं उनके अंदर जितने भी मैंने वो पावर सेवर वो आते हैं मशीन आती है वो लगा दी, और रात को सोने से पहले फ्रिज कर दिया मैंने ऑफ। भाई सर्दी का मौसम है नानी जी, सब्जी खराब थोड़ी होती है। और गीजर में मैंने वो सारे सबके गीजर गीजर के तार वार काट दिए, गैस वाले जो सिस्टम होता है उससे पानी आया सबके, हैं गर्म पानी, इस तरीके से हुआ नानी जी सारा कार्यक्रम। साडू भाई बिजली बचाने के लिए इतना खर्चा कर दिया, और वो भी नानी जी से पूछे बिना। अब बेटा चिंटू एक बात पूछे तुमसे कि ये तुमने इतना पैसा निकाला कहां से? नानी जी कुछ ज्यादा रकम तो थी नहीं, कुल मिलाकर के 20,000 ओनली है, आसपास से लेकर के मैंने अपने पास से खर्चा किया है। अगले 3 महीने में जितना बिजली का बिल आएगा ना उतने पैसे बचा दिए मैंने, आई बात समझ में? और वो जो महाराज ने सोलर देवता लगवाए थे हमारी छत पे वो मैंने गोदाम में रखवा दिए हैं, वो अभी ये मार्च के बाद लगवा देंगे उनको है, और बिजली बिजली बच जाएगी, पैसे के पैसे बच गए देखो 3 महीने के मारे।
वाह बेटा चिंटू, पहली बार तुमने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया। नानी जी ये तो सब संगत का असर है, मैं ठहरा आपका भगत है, जैसी संगत वैसी पंगत। अरे ये तो कमाल हो गया जगदम्ब, आज तक हम इसको गधा समझते रहे। बाबूजी मेरा मतलब है बेवकूफ समझते रहे, लेकिन इसने तो सही में बना दिया। अरे ऐसी थोड़ी हमने सुंदरी बिटिया की शादी कर दी थी, हमें पता था उनके अंदर जीनियस है। भूलचंद एक ऐसा यंत्र बनाओ जिससे पता चल जाए मेरे अंदर कितने लड्डू जा सकते हैं, 5 किलो 6 किलो 8 किलो। पन्ना जी हम बनाएंगे वैसा यंत्र। साडू भाई आ जाओ मेरी संगत में। हैं देखो क्या है, सोलर महाराज लगाने से पहले दिमाग लगाना पड़ता है। राधे राधे इस भाई को बुद्धि दिला दे। अजब गजब